गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं कॉस्मोस एजुकेशन प्लेनेट और मैं हूं विजेंद्र ठक्कर। चलिए आज हम अपने थ्योरी पार्ट टू को लेकर अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज हम अपनी इस सीरीज को आगे बढ़ाते वक्त आपको एक और टिप देना चाहते हैं सक्सेस के लिए। दोस्तों, सक्सेस के लिए एक टिप और हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिस टिप का नाम है क्यूमुलेटिव स्टडी। क्यूमुलेटिव स्टडी क्या होती है दोस्तों? क्या आप समझते हैं क्यूमुलेटिव स्टडी का मीनिंग क्या होता है? कोई भी एग्जाम दोस्तों कभी भी क्यूमुलेटिव स्टडी के बिना क्लियर नहीं हो सकता, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, चाहे आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप यूजीसी का दे रहे हैं या फिर यूपीएससी का दे रहे हैं, किसी भी चीज़ का एग्जाम दे रहे हैं, वो क्यूमुलेटिव स्टडी के बिना कभी भी पूरा नहीं होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे साथी जब एग्ज़ाम आता है तो उससे 15 दिन पहले किताब उठाकर बैठ जाते हैं और वो सोचते हैं इस 15 दिन में हम पता नहीं क्या कर देंगे, लेकिन वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाते। उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह होती है उनकी सक्सेस ना होने के पीछे, क्योंकि उन्होंने कभी भी क्यूमुलेटिव स्टडी नहीं की। ये क्यूमुलेटिव स्टडी होती क्या है? हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स हैं, जो साथी हैं, जो इस हमारे चैनल को देखते हैं, उन्हें तो पता है ये क्यूमुलेटिव स्टडी क्या होती है, लेकिन जो हमारे अपकमिंग्स और जो न्यू कमर्स आ रहे हैं उन्हें अभी तक क्यूमुलेटिव स्टडी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। दोस्तों, क्यूमुलेटिव स्टडी का मतलब क्या होता है? क्यूमुलेटिव स्टडी से हमारा सीधा सा मतलब ये है कि आप हर रोज थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहें और उसको डाइजेस्ट करते रहें, उसको डेली व्यवहार की चीज़ों में लेकर आए, ताकि आप उस चीज़ को सीख सकें। जब हम किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं और हमने यदि क्यूमुलेटिव स्टडी किया, मतलब कि रोज़ थोड़ा थोड़ा करके हमने अध्ययन किया है, तो हमारे किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमारे दिमाग में वो चीज़ अपने आप रिकॉल हो जाती है। आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व भी किया होगा, लेकिन हम इस चीज़ को यहाँ पर आपको बताकर उस चीज़ के ऊपर एक मोहर लगा देना चाहते हैं कि क्यूमुलेटिव स्टडी के बिना कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता। आप लोग क्यूमुलेटिव स्टडी कीजिए, रोज़ थोड़ा थोड़ा करके उसको डाइजेस्ट करते रहें। इसको डाइजेस्ट करने का तरीका देखिए, जैसे कि आपने पढ़ा कि ज्योमॉर्फिक साइकिल ऑफ इरोजन WM डेविस ने दिया था, तो अब आप उसको याद करना तो काफ़ी मुश्किल होता है। इसी तरह से आप क्या करें, जैसे भी अपने दोस्तों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो आप उनसे उसके बारे में चर्चा करें, क्योंकि कई बार चर्चा में की हुई चीज़ वो हमेशा याद रह जाती है, या फिर व्यवहार में उन चीज़ों को देखें। जैसे आप कहीं पहाड़ी क्षेत्र में घूमने गए हुए हैं, आपने वहाँ पर नदी को देखा और वो घूम रही है विसर्प टाइप में, आपने मैदान में देखा कि नदी है जो विसर्प टाइप में घूम रही है, तो आप उसको देखते ही कहेंगे ये देखिए रिवर मेंडरिंग ऐसी। इसी तरह से आप किसी भी तरह की टोपोग्राफी को देखें, अगर आप उसको आइडेंटिफाई करें तो आप उस चीज़ को ताउम्र नहीं भूलोगे दोस्तों। इसी तरह से जब बरसात होती है तो अपने परिवार वालों को बताएं, ये देखिए ये तो बरसात और ये संघनन से हो रही है, ये जो हवा चल रही है ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर की वजह से चल रही है। तो आप मतलब कि यदि उन चीज़ों को व्यवहार में लेकर आएंगे तो आपको अपने आप सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। इसीलिए दोस्तों क्यूमुलेटिव स्टडी का बहुत ही महत्व है। हमने थ्योरी पार्ट वन के अंदर बहुत सारी थ्योरीज की थी, क्योंकि हमने कहा था कि थ्योरीज हमारी ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारी हैं और हम आज उन्हीं थ्योरीज को आगे लेकर जा रहे हैं और उन थ्योरीज के बारे में आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं कॉस्मोस एजुकेशन प्लेनेट और मैं हूं विजेंद्र दुग्गल। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स इन ज्योग्राफी, आज हम कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स करेंगे ज्योग्राफी के अंदर। कितनी तरह के कंसेप्ट्स हैं, कितनी तरह के प्रिंसिपल्स हैं, उन विषय में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, जेम्स हटन ने इस सिद्धांत को दिया था। जब भी आप ज्योमॉर्फोलॉजी के अंदर जाते हैं और उसके अंदर फंडामेंटल प्रिंसिपल 10 प्रिंसिपल्स दिए हुए मिलेंगे, उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है
तो वो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिलिटरिज्म है। ये वहीं से आया है, और ये क्वेश्चन बहुत बारी एग्जाम के अंदर आता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उसके बाद आगे देखिए, ओरिजिन ऑफ पेडिमेंट वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय एसी लॉसन। जो पेडिमेंट शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले एसी लॉसन ने किया था सन 1915 में, और वो भी किस चीज के लिए, लेटरल इरोजन के लिए। आगे देखिए दोस्तों, यूनिवर्सल अडेप्टिव स्ट्रेटजी थीरी, जे फिलिप ग्रीम्स एंड सिमोन पेल्स, इन्होंने इस थीरी को दिया था। लोकेशनल एनालिसिस, एक महत्वपूर्ण थीरी है लोकेशनल एनालिसिस, इस थीरी को पीटर हैगेट ने दिया था 1965 में। नेचुरल रीजन्स जिसे हम पेस बोलते हैं, फ्रांस के अंदर नेचुरल रीजन्स जो कि सबसे छोटा रीजन्स माना जाता है, पेस, आपके चारों ओर सराउंडिंग रीजन्स को हम पेस बोलते हैं, ये विडाल डी लाब्लाश महोदय ने दिया था। विडाल डी लाब्लाश ने ही, अगर आप देखें, प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियल रूल नाम का कंसेप्ट भी इन्होंने दिया था। तो दोस्तों ये चीजें बहुत ही जरूरी हैं, इन चीजों को याद कीजिए। पेज का सिद्धांत पूछ लिया जाता है, किसने दिया था, पेज नाम की टर्म का किसने इस्तेमाल किया था, जिसका मतलब नेचुरल रीजन होता है, वो विडाल डी लाब्लाश थे, और विडाल डी लाब्लाश ने ही प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियल रूल दिया था। आगे देखिए, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट कॉस्ट, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट कॉस्ट अल्फ्रेड वेबर ने दिया था। बहुत ही जबरदस्त थियरी रहती है, और इसको हम पढ़ते भी हैं अपने सिलेबस के अंदर। चलिए आगे देखते हैं, कंसेप्ट ऑफ निगबोरहुड यूनिट, क्लीरेंस पेरी ने कंसेप्ट ऑफ निगबोरहुड यूनिट दिया था। और ये जो कंसेप्ट क्लीरेंस पेरी ने दिया था, ये न्यूयॉर्क में के प्लान के लिए दिया गया था, वो भी 1920 के दशक में दिया गया था, और उन्होंने इस प्लान को या फिर इस कंसेप्ट को देने के लिए 5000 से 10000 तक के टाउन्स को चुना था। उसके बाद देखिए दोस्तों, नियरेस्ट निगबोर एनालिसिस, इसके बाद देखिए दोस्तों, जो कंसेप्ट है हमारा नियरेस्ट निगबोर एनालिसिस का कंसेप्ट था, वो क्लार्क एंड इवान महोदय ने दिया था। इन थीरीज के आप अपने पर्सनल नोट्स बनाते रहे, और उनको जब भी आपको टाइम लगे उनको रिवाइज करते रहें और उनसे पढ़ते रहें। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, वेलफेयर ज्योग्राफी। कई बार क्वेश्चन आया है कि वेलफेयर ज्योग्राफी के जनक कौन है, वेलफेयर ज्योग्राफी से संबंधित कौन है, तो इसमें आप रीजर महादेव जो थे वो आपकी वेलफेयर ज्योग्राफी के लिए जाने जाते हैं। उसके साथ साथ डेविड एम स्मिथ भी ने भी वेलफेयर ज्योग्राफी के लिए काम किया है। रेडिकल ज्योग्राफी के जनक डेविड हार्वी को माना जाता है। रेडिकल ज्योग्राफी, कंसेप्ट ऑफ प्लेस फोल्क वर्क, पैट्रिक गेडिस, कंसेप्ट ऑफ प्लेस फोल्क वर्क है जो पैट्रिक गेडिस का माना जाता है। हिस्टोरिकल रीजन, देखिए वहां पर आपने नेचुरल रीजन देखा था इससे पहले वाली स्लाइड के अंदर, जिसको विडाल डी लाब्लाश ने दिया था। यहाँ पर एक हिस्टोरिकल रीजन नाम का कंसेप्ट दिया गया था, जिसे जीन ब्रूंस ने दिया था। जीन ब्रूंस ने ही फंक्शनलिज्म की अप्रोच भी दी थी, जीन ब्रूंस ने। आगे देखिए, कल्चरल एरिया, इस तरह से दोस्तों इनको क्रॉस मैचिंग करने के लिए पूछ लिया जाता है, कल्चरल रीजन किसने दिया, नेचुरल रीजन किसने दिया, कल्चरल एरिया क्या किसने दिया, कल्चरल रीजन किसने दिया, तो यहाँ पर वो सारी चीजें दी गई है। हमने जो भी फॉर्मेट आपको दिया है दोस्तों, वो बहुत ही सोच समझ के हमने जो एक सीरीज में इन चीज़ों को सेट किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से हम इनको सेट करके आपको दिखा रहे हैं। तो कल्चरल एरिया नाम का जो कंसेप्ट था वो आर डायन का था। कल्चरल रीजन कार्लो सावर ने, कई बार इसका प्रोनाउंसिएशन सावर भी हो जाता है, सेफर भी हो जाता है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसको बोल सकते हैं, आपको मतलब याद करने से है। कल्चरल रीजन नाम का कंसेप्ट है, कार्ल ओ सावर ने दिया था। उसके बाद इंट्रैक्शन का सिद्धांत है, जीन ब्रूंस ने दिया था। अब देखिए आगे, एक
कंसेप्ट आ रहा है, एक प्रिंसिपल आ रहा है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिक्स्ड के, वॉल्टर क्रिस्टालर ने। उन्होंने के को फिक्स्ड करके एक सिद्धांत दिया था और वो वॉल्टर क्रिस्टालर का था। नेक्स्ट देखिएगा आप, प्रिंसिपल ऑफ नॉन फिक्स्ड के, अगस्त लॉश महोदय ने ये सिद्धांत दिया था। प्रिंसिपल ऑफ नॉन फिक्स्ड के, देखिए फिक्स्ड का और नॉन फिक्स्ड में काफी अंतर है, इस चीज को देखते रहना कि फिक्स्ड के और नॉन फिक्स्ड के का किस किस ने दिया था। फिक्स्ड वाला तो वॉल्टर क्रिस्टालर ने दिया था और नॉन फिक्स्ड वाला अगस्त लॉश ने दिया था। प्रिंस उसके बाद जो कंसेप्ट आता है हमारा आता है वो है पॉपुलेशन थ्रेशोल्ड एंड रेंज ऑफ गुड्स बी जे एल बेरी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार प्रिंसिपल ऑफ थ्रेशोल्ड रेंज ऑफ गुड्स का कंसेप्ट किसने दिया था, वो बी जे एल बेरी महोदय ने दिया था। अब ये जी के जिप का जो नेक्स्ट सिद्धांत आ रहा है, पॉपुलेशन वन एंड पॉपुलेशन टू अपॉन डिवाइडेड बाई डी, जो ये सिद्धांत है, ये जो हाइपोथीसिस है, ये जेके जिप ने दी थी, जिसको हम रैंक साइज रूल भी कहते हैं, जेके जिप ने कहा था। अच्छा आगे चलते हैं, देखते हैं हार्टलैंड थ्योरी, मैकाइंडर की थी हार्टलैंड थ्योरी, बहुत बारी कोच पूछी गई हार्टलैंड थ्योरी दोस्तों, मैकाइंडर की थी, ड्रीमलैंड की थी स्पाइकमैन की, कई बार हम हार्टलैंड और ड्रीमलैंड में फंस जाते हैं, हमें याद नहीं रहता हार्टलैंड मैकाइंडर की थी और रिमलैंड स्पाइकमैन की थी, तो हमें ये चीज याद रखनी होगी कि रिमलैंड स्पाइकमैन की थी, आरएस, ठीक है इस तरह से। और एचएमटी की बात करें तो वो हार्टलैंड बन जाते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ टेरिटोरियल ग्रोथ ऑफ द स्टेट, रेड जल ने ये सिद्धांत दिया था, और इस सिद्धांत की वजह से ही दोस्तों माना जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जनक हैं जो, उनकी ये जो ये लॉ ही माना जाता है, लॉ ऑफ टेरिटोरियल ग्रोथ ऑफ स्टेट, इसके अंदर उस इस सिद्धांत के अंदर उन्होंने माना रेडजेल महोदय ने कि जो स्टेट होती है वो एक ऑर्गेनिज्म होती है, लाइक जीवित प्राणी की तरह है, और उसको जैसे एक ताकतवर प्राणी जीवित जो कमजोर प्राणी है उसको खा करके जिंदा रहता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हैस हैरी ने दी थी, इसको उल्टा लिखा जाता है कई बार हैस हैरी, लेकिन यहां पर देखेंगे कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग की जो थ्योरी थी वो हैरी हैस ने दी थी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी वैगनर महोदय ने दी थी। प्लेट जो शब्द का सबसे पहले जो यूज, देखिए कई बार पूछ लेते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दी थी, और ऑप्शन में जेड टूजो विल्सन भी डाल दिया जाता है। देखिए यहाँ पर प्लेट शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले जेड टूजो विल्सन ने किया था, लेकिन जो थ्योरी है जो वो दी थी मॉर्गन महोदय ने, एंड इट इज डेवलप्ड बाय हैरी हैस। आगे देखिए दोस्तों कि रेडियो एक्टिव थ्योरी जॉली महोदय की, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी रीड की थी, कंसेप्ट ऑफ पॉलीक्लाइमेक्स टांसले महोदय ने दिया है, एपिसोडिक इरोजन थ्योरी है, ये बहुत बार आएगी, ये एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, तो इसको याद रखिए दोस्तों। कंसेप्ट ऑफ पॉलीक्लाइमेक्स भी, जितने भी जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, थ्योरी बता रहा हूँ, ये कई कई बार एग्जाम में आई है दोस्तों, इनको याद कर लीजिए आप। एपिसोडिक इरोजन थ्योरी है एस ए स्कूमन और आर डब्ल्यू एच टी ने दिया है। उसके बाद देखिए टेक्नो जियोमॉर्फिक मॉडल मैरी मॉरिसा महोदय ने दिया। उसके बाद देखिए कंसेप्ट ऑफ बेस लेवल जे डब्ल्यू पॉवेल, ये तो अभी पूछा गया है फिलहाल ही में, ये क्वेश्चन है जो जे डब्ल्यू पॉवेल ने, कंसेप्ट ऑफ बेस लेवल यूजीसी के अंदर तो हजार बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, मतलब हर बारी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप किसी ना किसी एग्जाम के अंदर ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो आप लोग कंसेप्ट ऑफ बेस लेवल जे डब्ल्यू पॉवेल ने दिया था याद रखिएगा। आगे देखते हैं बेस लेवल ऑफ इरोजन गिलबर्ट ने, देखिए जो कंसेप्ट दिया गया था बेस लेवल ऑफ इरोजन गिलबर्ट महोदय ने दिया था, उन्होंने कहा था कि जो इरोजन है वो सिर्फ बेस लेवल तक ही हो सकता है, उसे नीचे इरोजन नहीं है, संभव ही नहीं, यदि इरोजन उससे नीचे जाता हो
होता है तो दो ही कंडीशंस में है, या तो टोटल ओवरऑल लैंड है जो उसका अपलिफ्टमेंट हो जाए, या फिर जहाँ पर उसका जो नदी है जहाँ पर मिलती है वो नीचे हो जाए, तभी जा कर के फर्दर इरोजन संभव है। अदरवाइज बेस लेवल से ज़्यादा कभी भी इरोजन नहीं हो सकता है। लॉ ऑफ प्राइमेटिसिटी, मार्क जेफरसन महोदय ने लॉ ऑफ प्राइमेटिसिटी दी थी और वो डब्ल्यू एम डेविस के शिष्य भी थे। देखिए कितनी अच्छी बात बताई कि मार्क जेफरसन महोदय जो डब्ल्यू एम डेविस के शिष्य थे, स्टूडेंट थे। आगे देखिए, द कंसेप्ट ऑफ सिविलाइजिंग रेल्स, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है मार्क जेफरसन का ही है, सिविलाइजिंग रेल्स। आगे देखिए, कंसेप्ट ऑफ हायरार्की ऑफ सेंटर प्लेस प्लेट। देखिए यहाँ पर आप वॉल्टर क्रिस्टालर से धोखा मत खाइएगा, यहाँ ये कंसेप्ट प्लेट महोदय ने दिया था, कंसेप्ट ऑफ हायरार्की ऑफ सेंटर प्लेस का। सबसे पहले प्लेट, कंसेप्ट ऑफ सीक्वेंट ऑक्यूपेंस। आप देखिएगा ये जो टर्म है 1929 में अमेरिका के एक ज्योग्राफर रहे हैं डर्वेंट विट्सले, उन्होंने इस्तेमाल की थी। इस टर्म का इस्तेमाल स्पेशली उस चीज के लिए किया गया था जिसमें जो किसी भी स्थान पर रहने वाले लोग उस जगह को बदल देते हैं, उसके प्राकृतिक रूप को बदल के उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, और वहां पर हर जगह पर जो भी चीज बदली जाती है वहां पर मनुष्य का अपना एक चिन्ह छूट जाता है, वही चीज कंसेप्ट ऑफ सिक्वेंट ऑक्यूपेशन कहलाती है। 1929 में डर्वेंट विट्सले, देखिए डर्वेंट विट्सले ने ही वर्ल्ड का एग्रीकल्चरलाइजेशन का कंसेप्ट भी दिया था, जिसमें उसने वर्ल्ड की सभी तरह की एग्रीकल्चर सिस्टम को डिस्क्राइब किया था। चलिए आगे देखते हैं, कोर पेरिफेरी मॉडल, जॉन फ्रेडमैन। कोर पेरिफेरी मॉडल जॉन फ्रेडमैन ने दिया था और उन्होंने रोल ऑफ सिटीज इन नेशनल डेवलपमेंट एंड द थियरी ऑफ स्पेशल इंट्रैक्शन, ये दोनों भी फ्रेडमैन ने दी थी। देखिए ये थियरीज आपको एक जगह कहीं लिखी नहीं मिलती है, आपको कभी कहीं दिखाई दिया कि कोर पेरिफेरी मॉडल जॉन फ्रेडमैन ने दिया था, लेकिन कहीं और दूसरी जगह आप ढूंढेंगे तो उसमें आपको समय लग जाता है, लेकिन मैंने इन सभी चीज़ों को कंपाइल करके आपको एक ही फ्रेमवर्क के अंदर दिखाया है कि हाँ जॉन फ्रेडमैन ने ये थीरी भी दी थी और ये थीरी भी दी थी। इसलिए कोर पेरिफेरी मॉडल जॉन फ्रेडमैन का है और रोल ऑफ सिटीज इन नेशनल डेवलपमेंट भी उन्होंने दिया था और थीरी ऑफ स्पेशल इंट्रैक्शन भी जॉन फ्रेडमैन का ही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल रोस्टव ने दिया था। आगे देखिए दोस्तों, रोस्टो महोदय ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल जो दिया था उसके अंदर पांच स्टेजेस बताई थी उसने। सबसे पहली स्टेज के अंदर आप देखिए कि ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है, इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी स्टेज के अंदर मतलब अगर जब अकॉर्डिंग टू रोस्टो का इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल है उसके अंदर दूसरी स्टेज के अंदर क्या होता है, तीसरी के अंदर क्या होता है, चौथी के अंदर क्या होता है, पांचवें के अंदर, तो ये पांचों स्टेज का ध्यान रखिएगा दोस्तों। पहली ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है, ट्रेडिशनल बिल्कुल रूरल प्रकृति से जुड़ी हुई। उसके बाद प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ 5% इन्वेस्टमेंट इन जीडीपी, उसके बाद टेक ऑफ के लिए 10% इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी हो जाता है। ड्राइव टू मैच्योरिटी तीसरी जो है, चौथी स्टेज है जो उसके अंदर ड्राइव टू मैच्योरिटी को बताया गया है और पांचवी स्टेज के अंदर हाई मास कंजम्पशन को बताया गया है। तो इन पांचों स्टेज को आप ध्यान रखिए और चलिए आगे देखते हैं। अभी हमने आपसे बात की थी सेंटर प्लेस थ्योरी की, सेंटर प्लेस थ्योरी वॉल्टर क्रिस्टालर ने दी थी और उसके अंदर फिक्स्ड के बारे में हमने बात की थी। तो ये वही फिक्स्ड के है, के थ्री का मतलब, ये हर बार आता है ये एग्जाम के अंदर, के थ्री का मतलब क्या है, के फोर का मतलब क्या है, के सेवन का मतलब क्या है। K3 मार्केट प्रिंसिपल को बताता है, K4 ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल को बताता है और K7 एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल को बताता है। ये बात याद रखिएगा दोस्तों, इनके साथ के साथ नोट्स बनाते रहें।
मार्केट एरिया लोकेशन थ्योरी। अब लोकेशन के ऊपर बहुत सारे एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी है, ये मार्केट एरिया लोकेशन थ्योरी अगस्त लॉस ने दी। मार्केट एरिया लोकेशन थ्योरी अगस्त लॉस ने दी थी। ग्रेविटेशनल थ्योरी रिले, ये इतनी जबरदस्त थ्योरी है, ये बहुत बार याद आई है, ग्रेविटेशनल थ्योरी रिले। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी रीड। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी होम्स। प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी डब्ल्यू वेवल्स। इक्विबिलियम थ्योरी आइजक न्यूटन। सब्सिस्टेंस थ्योरी डार्विन। दोस्तों ये थ्योरी हमने जो आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, ये थ्योरीज जो होती हैं ये सारी की सारी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से ही निकाली गई है, जहाँ से पेपर बनते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। जो ज्योग्राफी से संबंधित एग्जाम होता है वो वहीं से बनता है, उन्हीं किताबों से बनता है। चलिए आगे देखते हैं। ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी आर पी डेली। ट्रैफिक सेग्रीगेशन सर कॉलिन बुचानन, इंग्लैंड के थे कॉलिन बुचानन, और उन्होंने ही ट्रैफिक इन टाउन्स, तो बुचानन जो है वो ट्रैफिक से संबंधित भी उन्होंने काम किया है। ट्रैफिक सेग्रीगेशन और ट्रैफिक इन टाउन्स, इस तरह की जो अगर आपके सामने कोई भी थ्योरी या अगर आपसे कंसेप्ट पूछा जाता है तो आप सीधा सा सर कॉलिन बुचानन का नाम लगा दें आंख बंद करके। उसके बाद देखिए जॉर्ज पी मार्श। कौन थे जॉर्ज पी मार्श? वो यूएसए के एक इन्वायरमेंटलिस्ट व्यक्ति थे जिन्होंने सस्टेनेबिलिटी का कंसेप्ट डेवलप करने में सबसे ज्यादा अग्रणी भूमिका निभाई थी, जॉर्ज पी मार्श। डिपेंडेंसी मॉडल ए जी फ्रैंक। न्यू टाउन कंसेप्ट सर पैट्रिक एब्रक्रॉम्बी, ये भी इंग्लैंड के ही थे। न्यू टाउन कंसेप्ट। और उसके बाद देखिए क्यूमुलेटिव कॉजेटिव मॉडल जी मिरेंडन। आज हम भी क्यूमुलेटिव के ऊपर बात कर रहे हैं और क्यूमुलेटिव स्टडी से ही सभी एग्जाम क्लियर होते हैं, और मिरेंडल महोदय ने भी क्यूमुलेटिव कॉजेटिव मॉडल दिया था, तो आपको वो चीजें याद रखनी है। दोस्तों आगे चलते हैं। कंसेप्ट ऑफ ज्योग्राफिकल ए पाइप वॉट ऑफ हिस्ट्री एच जे मैकाइंडर। सेक्टर थ्योरी होमर हॉयट। सेक्टर थ्योरी होमर हॉयट ने दी थी। मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी हैरिस एंड उलेमान। मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी किसने दी थी? हैरिस एंड उलेमान। कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी ई डब्ल्यू बर्गेस। रैंक साइज रूल जे के जीप। अभी हमने बताया था रैंक साइज रूल है जो जे के जीप का था और जिसके अंदर पी वन पी टू बटे में डी दिखाया गया था, वो कंसेप्ट भी इसी से संबंधित है। डिग्री ऑफ प्राइमेसी ए लिंसकाई। याद रखिए डिग्री ऑफ प्राइमेसी ए लिंसकाई ने दिया था। अर्बन डेंसिटी ग्रेडियंट सी क्लार्क महोदय ने दिया था। कॉन्सेंट्रिक एंड सेक्टर थ्योरी पी मान। ट्रांसपोर्ट फ्लो थ्योरी उलमान महोदय ने। ट्रांसपोर्ट की थ्योरी हमारे सिलेबस में भी होती है, उसको हम पढ़ते भी हैं देखते भी हैं। इनवर्स डिस्टेंस थ्योरी जे के जीप की देखिए बहुत सारी थ्योरी आ रही हैं। रैंक साइज रूल आ गया, जे के जीप आ गया, पी वन पी टू डी आ गया, तो आप उसको भी याद रखिएगा दोस्तों। जे के जीप ने एक बहुत अच्छे अर्बन ज्योग्राफी के अंदर काम किया है, तो याद रखिएगा। डिवीजन ऑफ अर्बन फील्ड ई ए स्नाइल। डिवाइड सोसाइटी इंटू थ्री टाइप्स। सोसाइटी को तीन श्रेणियों में बांटा था सज्जो वर्ग ने, ठीक है, तो आपने उसको याद रखना है कि किसने बांटा था। उसको एस साइलेंट पढ़ लें या फिर हम अपने इंडियन स्टाइल में हम पढ़ेंगे सज्जो वर्ग, ठीक है, या फिर जो वर्ग भी कह सकते हैं। तो वो तीन श्रेणियों में इन्होंने ही बांटा था। कॉन्सेंट्रिक लोकेशन थ्योरी इंडस्ट्री को ध्यान में रख करके कॉन्सेंट्रिक लोकेशन थ्योरी जो वो दी थी जे एच थॉम्सन ने। आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों वी एल एस प्रकाश राव रीजनिंग प्लानिंग के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उन्होंने भारत के रीजनिंग प्लानिंग के अंदर बहुत ही जबरदस्त भूमिका निभाई है। आगे देखते हैं दोस्तों। मंसूर आलम एंड डब्ल्यू खान मेट्रोपॉलिटन हैदराबाद एंड इट्स रीजन्स को प्लान करने में इन्होंने बहुत जबरदस्त भूमिका निभाई है, मंसूर आलम एंड डब्ल्यू खान। एम चिशलोम रूरल सेटलमेंट एंड लैंड यूज के ऊपर इन्होंने काम किया है।
रूरल सेटलमेंट एंड लैंड यूज के ऊपर एम चिश्रा महादेव ने कहा, मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल जेलिंस्काई, मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल जेलिंस्काई है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट जिफ का है। जिफ जिफ के कई कंसेप्ट हैं, देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट भी जिफ का है। माइग्रेशन थियरी ई जी रेवेनस्टाइन की है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन थियरी है जो एडविन कैनन की है। आगे चलिए, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी है। देखिए यहाँ पर कई बार लोग हैं जो माइग्रेशन थियरी है इसको, तो देखिए दोस्तों डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी फ्रैंक नोटेस्टियन एंड डब्ल्यू थॉम्पसन ने दी है। इनका जो अग्रणी नाम है जो वो फ्रैंक नोटेस्टियन ही आता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी में, लेकिन कई बार फ्रैंक नोटेस्टियन ना दिया गया हो और थॉम्पसन दिया गया हो तो आप थॉम्पसन को भी लगाएंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी के लिए। इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी थियरी एस स्टूफर, द जोन एंड स्ट्राटा थियरी pertaining to origin and diffusion of human race was propounded by Griffin Taylor. Human race का जो उत्पत्ति हुई है और उसका विस्तार हुआ है उस थ्योरी को, जोन एंड स्ट्राटा थ्योरी को ग्रिफिन टेलर महादेव ने दिया था। सिस्टम एनालिसिस है बैरी एंड शॉर्ले, सिस्टम एनालिसिस बैरी एंड शॉर्ले। उसके बाद देखिए कंसेप्ट ऑफ मेंटल मैप पीटर गोल्ड, गजब का दोस्तों, आप लोगों को ऐसे ऐसे कंसेप्ट बता दूंगा कि आप याद रखेंगे कि हाँ हमने देखिए कंसेप्ट ऑफ मेंटल मैप, देखिएगा ये आपके पीटर गोल्ड महोदय ने इसको बनाया था। चलिए आगे देखिए स्पेशियल मार्जिन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी डी एच स्मिथ, कंसेप्ट ऑफ टाइम स्पेस कंप्रेशन डेविड हार्वी, theory of intervening opportunity S. Stouffer, again S. Stouffer आ गए। अमित जैन महोदय थे, उन्होंने सेटलमेंट ज्योग्राफी को फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था जिसके अंदर उन्होंने सेटलमेंट पैटर्न, हाउस टाइप एंड फील्ड सिस्टम, इन चीजों को ध्यान में रख करके सेटलमेंट ज्योग्राफी को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था अमित जैन महोदय। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया बाय अप्लाइड टेनरी डायग्राम, टेनरी डायग्राम पूछ लिया जाता है किसने दिया था तो आपका अशोक मित्रा महोदय ने दिया था। और ये भी कहा जा सकता है कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन टाउन्स है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अशोक मित्रा ने। ट्रेड थीरी, ट्रेड थीरी एली हैक्शर बर्टिल ओली ने ट्रेड थीरी दी थी। क्लासिकल ट्रेड थीरी है जो कंपैरेटिव कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए, देखिए ये जो बीच में जो ब्रैकेट के अंदर दिया जाता है वर्ड, इसको बड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज का कि कंपैरेटिव कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए ट्रेड थीरी किसने दी थी, तो डेविड रिचर्ड थे। ठीक है आगे देखते हैं मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, देखिए यहाँ पर मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, इंडस्ट्रियल लोकेशन से रिलेटेड काम पहले भी हुआ है लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल चीज है जो आपको ध्यान में रखनी होगी, मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन डेविड एम स्मिथ ने दिया था और डेविड एम स्मिथ ही वेलफेयर ज्योग्राफी में काम करने वाले व्यक्ति हैं और उन्होंने ही आइडिया ऑफ स्पेशल मार्जिन का कंसेप्ट को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। तो वेलफेयर ज्योग्राफी से यहाँ पर इनका संबंध रहा है, स्पेशल मार्जिन का जो आइडिया दिया था वो इनका था और मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन भी इनका था। एग्लोमरेशन थ्योरी थॉम्पसन की है, डिसीजन मेकिंग मॉडल जूलियन वॉलपार्ट का है, ट्रांसपोर्ट रूट डेवलपमेंट मॉडल टैफे का है। देखिए टैफे का ये इतनी बार आया है दोस्तों, इस एक्चुअली में सारी ही थ्योरी आती रहती है, आप किसी एक को स्पेशल ना समझना, किसी एक को ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना देना, सभी के लिए अपने अपने नोट्स बनाते रहें और आगे बढ़ते रहें। ट्रांसपोर्ट रूट डेवलपमेंट मॉडल है जो टैफे का रहा है, कॉन्सेंट्रिक रिंग ऑफ लैंड यूज वॉन थिनिन का रहा है, इनपुट आउटपुट मॉडल WW लियोनटिफ, और उसके बाद देखिए डिफ्यूजन मॉडल है टॉरेस्टन हैगरस्टेंट महोदय का रहा है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा जो थीरीज के बारे में पार्ट नंबर टू,
जिसके अंदर हमने जाना कि क्यूमुलेटिव स्टडी का कितना महत्व होता है, और आप लोग भी इन स्टडी को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहें और अपना समय देते रहें, थोड़ा थोड़ा करके आप आगे बढ़ते रहें और सक्सेस की तरफ इसी तरह बढ़ा जाता है दोस्तों। एकदम से कोई भी चांद पर नहीं पहुंच सकता, अगर चांद पर जाना है तो पूरी प्लानिंग की ज़रूरत है, सक्सेस हासिल करनी है तो आप लोगों को पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना होगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत मेरे प्रिय साथियों, हमारे कॉस्मोस एजुकेशन प्लैनेट को आप सभी अपना प्यार दें, उसको सब्सक्राइब करें, उससे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी करें, कमेंट भी करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, हम मिलेंगे जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ, थ्योरी का ही पार्ट नंबर 3 लेकर के, बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।